ये प्रधानमंत्री देश का झांसा राम हमें क्यों झांसा दे रहा है? आगे फोन आ गया। फोन आ गया किसका? फोन आ रहा है मोदी जी का ना, कंगना का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के सारे किसानों के मुकदमे वापस ले लो, मेरे ऊपर लागू कर दो। हाँ, चाहे प्रधानमंत्री अपने घरों बुला ले, उनकी औकात है कि 2000 रुपए में टिकट को खरीद लेंगे। अगर ऐसी तस्वीर जलानी है तो मोदी जी की जलाओ। रिहाना ने एक ट्वीट क्या किया, लगता है जैसा वो सैनिटाइज कर दिया गया हो, सारे कीड़े बिल बिल आ गए। कौन माइकल लाल हमें कहते गए देशद्रोही? तो 1950 तक इन्होंने तिरंगा जलाया, तो ये देशद्रोही है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देश पूछता है। किसकी माँ ने दूध पिया जो हमें कैद कर ले? देशभक्ति तो फांसी चढ़े हैं, गधे तो आज भी जिंदे हैं। पैसा कंगना को वहीं भेज दो, मियां खलीफा के दो। वो झांसी की रानी है। हाँ तो क्या हो गया, वो भी तो मियां खलीफा है, तो खलीफा दबा लेगा ना विरोध को। हम सरकार को दबा रहे, वो उसे दबा ले। अगर ऐसी तस्वीर जलानी है तो मोदी जी की जलाओ। जो ये कहता था कि इस बार ट्रंप सरकार, जब ये तो विदेश में जाके दखल अंदाजी कर सकता है और कोई विदेश का किसान के बारे में बोल जाए तो इनको जलन हो जाती है। रिहाना ने एक ट्वीट क्या किया, लगता है जैसा वो सैनिटाइज कर दिया गया हो, सारे कीड़े बिल बिल आ गए एकदम है। अरे अक्षय कुमार कौन है? ये तो भारत का नागरिक भी नहीं है, फिर इसे क्यों इतना करते हो? वो तो राष्ट्रभक्त बताता है खुद। कौन कह रहा राष्ट्रभक्त है? बीजेपी के साथ तो खड़ा है। जब वो भारत का नागरिक ही नहीं है, अगर जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो राष्ट्रभक्त होगा, और जो इनके खिलाफ होगा वो देशद्रोही होगा। इस समय यही तो देश में चल रहा है, है? देश में यही तो चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम राष्ट्रभक्त नहीं है। कौन माइकल लाल हमें कहते हैं देशद्रोही? हाँ, मैं बीजेपी को और आरएसएस को कहता हूँ देशद्रोही। क्यों? कि जब देश का आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो ये देशद्रोही है। जब 1947 में देश आजाद हुआ और तिरंगे पे फाइनल हुआ, तो 1950 तक इन्होंने तिरंगा जलाया, तो ये देशद्रोही है। और 1950 से लेकर जब संविधान में इसे लागू किया गया, तब से लेकर 52 साल तक इन्होंने नागपुर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, ये देशद्रोही है। कौन है ये कंगना? कहाँ से आई है? कंगना हमारे यहाँ तो भाई, कंगना हमारे यहाँ तो शादी में बंधक रहे हाथ में, तो अब वो कंगना वो हो तो बात अलग है। झांसी की रानी क्या होती है? हैं? झांसी की रानी बोलती है, अगर गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा हो जाएगा। बंदर का है तो उसे क्या पता, बोलना है उसे बस। उसे जो है हो सकता है कुछ ना कुछ तो मोदी के साथ रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देश पूछता है। अगर सरकार के साथ गधा खड़ा हो जाए तो मैंने ठेका लिया है कोई? है? बताओ, सरकार के साथ तो गधे भी खड़े हैं, तो वे भी हीरो हैं। अक्षय कुमार सब गधे हैं क्या? सब गधे हैं। जो फिल्म देखिए, इस देश में जो किसान का विरोध करेगा वो गधा है, हमारी नजरों में वो गधा है। इंसान घोड़ा कौन है? इंसान खड़े ना, ये इंसान ही तो है जो बॉर्डर पे पड़े हैं। रात दिन ठंड में पड़े, लेकिन आपने बताया कि इंसान ही तो, इंसान को बंद क्यों किया जा रहा है, कैद क्यों किया जा रहा है? किसकी माँ ने दूध पिया जो हमें कैद कर ले? बताओ किसकी माँ ने दूध पिलाया? जो तुम्हारी खबरें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो खबरें दिखा रहे हैं उन्हीं पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे अगर सरकार के सच दिखाओगे तो जेल में नहीं जाओगे? जब आजादी की लड़ाई थी, जो देशभक्त थे वो लड़ते थे, वही तो फांसी चढ़े हैं। देशभक्ति तो फांसी चढ़े हैं, गधे तो आज भी जिंदे हैं। तो ये नहीं, वो सही है, फांसी नहीं है। आज ये तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, सोशल मीडिया जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, ये देशभक्ति की लड़ाई है, ये सच की लड़ाई है। और सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ। तो आप लड़िए, एक दिन देश भी आपको याद करेगा। और आप लड़िए, हम खड़े हैं ना आपके लिए। बताइए आपको क्या मदद चाहिए? अगर आप जेल में भेजती है, अगर आपको जेल भेजती है, कम से कम हमारे जत्थेदार ने बता दिया था।
तो वकील कि आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। अगर सरकार आपको परेशान करती है आके बताइए, पूरा देश का वकील आपके साथ खड़ा है और आपके केस भी फ्री लड़ेगा। इस आंदोलन में जिसके साथ भी होगा, देश के वकीलों ने कह दिया हम उनके मुकदमे फ्री लड़ेंगे। जब हमारे देश के विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ आ गए, क्या इन विद्वान अधिवक्ताओं को भी नहीं पता कि ये कानून क्या है? वे अनपढ़ जो संसद में बैठे हैं वे तो सब समझते हैं, बस देश नहीं समझता। हमने कहा था, पहले भी कहा था, आज भी सुन लीजिए, जो डर गया समझो मर गया। और सरकार डर गई है, प्रशासन डर गई है, तब मरेगी। अरे आज किले हटी है, कल कानून वापस होगा, परसों सरकार वापस होगी, चिंता क्यों मानते हैं? तो कसम खा के आए हैं 50 साल करेंगे, तो हम भी कसम खा के आए हैं धरती माँ की, कि इसे बिकने नहीं देंगे और देश को झुकने नहीं देंगे। तो ना किसान पीछे हटेगा। प्रधानमंत्री भी ऐसी क्या तुम कह रहे? प्रधानमंत्री कहता है ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये है उसका। किसानों के साथ है, उन्होंने भी ये कहा है। भाई मैं जानता नहीं, पर कल एक पत्रकार ने बता दी थी, भाई साहब कंगना को वहीं भेज दो, मियां खलीफा के द्वारा। हैं? वो झांसी की रानी है। हाँ तो क्या हो गया, वो भी तो मियां खलीफा है, देख लेगा झांसी की रानी को। उनकी फिल्म देखी तुमने? किसकी? मियां खलीफा की। ना भाई मैंने देखी, मैं जानता ही नहीं, सच में नहीं जानता मैं। वो तो उनका काम है, काम तो वो खलीफा। हाँ। देखिए भाई, फिल्म वाले हैं, फिल्म वालों के धोरे ही चले जाएंगे। हम तो उनकी बात जान रहे हैं। तो भाई तुम भी मियां खलीफा को बता रहे, फिल्म बनावे और यो भी बनावे, तो ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे, ठीक रहेगा, हमारा पीछा छूट जाएगा। तुम्हारे समर्थन में पर कौन? मियां खलीफा। तो अब जब हमारे समर्थन में आया तो हम भी तो उसे पकड़ के मियां खलीफा को दे रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? तो विरोध में है। कौन? तो खलीफा दबा लेगा ना विरोध को, हम सरकार को दबा रहे, वो उसे दबा ले। अपना ठंडा हो जाएगा। सरकार कह रहे हैं एक कॉल का फासला है किसानों में और हमने। हाँ। इसकी बार मीटिंग हो गई, कुछ हल नहीं निकला, तो कॉल का क्या मसला? ये बहकाने वाले। अरे यार वो कॉल बता रहे हो, एक भाई 2 रुपए ना सरकार पे खुद लगा ले, एसटीडी से कर लेती को। नंबर दे दो, हम तो फोन करेंगे, नंबर दे दो। ये प्रधानमंत्री देश का झांसा राम हमें क्यों झांसा दे रहा है? ना कंगना का। क्या कह रही है? पूछो तो। बात कर रही है मियां खलीफा का, वो पता पूछ रही है। दिल्ली वाले, आप लोग दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं जाने की, दिल्ली के बाहर खड़े, लेकिन दिल्ली वाले आज देखा जा रहा है कि वही किसानों को गलत नजरों से देख रहे हैं। कौन लेके क्या कहेंगे? कौन दिल्ली वाले? दिल्ली वाला कोई भी नहीं देख रहा। आपने 26 जनवरी को देखा नहीं है, पूरी दिल्ली ने दिल से स्वागत किया किसानों का, तिरंगे लहराए, फूलों की वर्षा की, और मैं भी था, मेरे ऊपर भी फूलों की वर्षा की गई है। सारी दिल्ली का हम दिल से स्वागत करते हैं। वो कुछ दिल्ली वाले नहीं है, वो आरएसएस और बीजेपी के कुत्ते हैं। फार्मर्स ने ये किया, फार्मर्स ने वो किया, झंडे का अपमान किया, उनको लेके क्या कहना चाहिए? अब एक बात तो बताओ, वे पहले से झंडे का अपमान करते आए, वो सम्मान कैसे करेंगे? वो बीजेपी का कौन है? जो दीप सिद्धू और लखा सदाना कौन है? चाय पी रहे मेरे साथ है, तो वे मेरे रिश्तेदार हुए ना। चाय देश के गृह मंत्री के साथ चाय पी रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उनके, उसमें 7 रेस कोर्स में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तुम जा सकते हो? अच्छा अच्छा मंत्री की हिम्मत नहीं जो 7 रेस कोर्स में जाके फोटो खिंचा दे? क्या रिश्तेदारी है? क्यों नहीं सार्वजनिक करते कि दीप सिद्धू की 15 दिन की कॉल डिटेल और उसकी चैट आज सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा दीप सिद्धू और लखा सदाना का बाप कौन है। 2000 लोगों पे FIR तो हुई ना, 2000 लोगों पे किसानों पे सरकार ने FIR तो की है ना। क्रांतिकारियों पे मुकदमे 565 होते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप पे हुआ कोई?
अरे ना हुआ हो जगह करा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के सारे किसानों के मुकदमे वापस ले लो, मेरे ऊपर लागू कर दो। आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। 26 जनवरी के बाद आप डर के क्यों चले गए थे? डर के क्यों चले गए थे? कौन हम क्यों डरते? मेरा काम एक है, मेरा काम एक है जगाना, और मैं जगा रहा हूँ। डर के कहाँ चले? कौन डर क्या चलेगा? जब राकेश टिकैत रोए तो फिर वापस आयो, बोले हमारे नेता अकेले पड़ गए। कौन हमारा नेता? न कल अकेला था, न आज अकेला है, न कल अकेला रहेगा। वो तो वो शेर है। अरे शेर रह गया था यहाँ जंगल में, तो कुछ जंगली कुत्तों ने सोचा कि शेर का शिकार कर ले। अच्छा, क्या कभी तुमने सुना है कि शेर का शिकार जंगली कुत्ते कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक शेर दहाड़ा, और दहाड़ते जो जानदे में इधर उधर शेर थे, ऐसे आए दौड़ के कि कौन कुत्ते आगे देखते हैं, कहाँ चले गए कुत्ते वे। राकेश टिकैत को ऐसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2000 रुपए में राकेश टिकैत कहीं पर भी चले जाते हैं। 2000 रुपए दे उन्हें, कहीं पर भी चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे। हाँ वो तो राष्ट्रपति भवन में भी चले जाएंगे। देव तो देते क्यों ना आए पैसे, बस कहवे ही कहवे। अरे हम सारे चले जाएंगे 2000 रुपए में। हाँ चाहे प्रधानमंत्री अपने घरों बुला ले। हाँ हम तो बिना पैसे के दिल्ली जा रहे थे। चाय पे बुला रहा सारे किसानों, क्यों ना बुला रहा? बुलावे, उनकी औकात है कि 2000 रुपए में टिकट को खरीद लेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।